सलमान खान अपनी इस साल की ईद रिलीज ट्यूबलाइट के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म में सुहेल खान और चाइनीज एक्ट्रेस जुजू भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। सलमान की हर फिल्म की तरह इस फिल्म से भी जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इस फिल्म के ट्रेलर को एवरेज रिस्पांस मिला है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि ये फिल्म 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरूर करेगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो हाल ही में दंगल के चाइना में रिलीज ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। और ट्यूबलाइट में तो कई सारे चाइनीज कनेक्शंस हैं। पहले तो ये फिल्म 1962 इंडो चाइना वॉर पर आधारित है। दूसरी बात, इस फिल्म में चाइनीज एक्टर जुजू मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी, जो कि चाइना में एक बहुत बड़ा नाम है। और तीसरी बात, ट्यूबलाइट के मेकर्स चाइना में इस फिल्म के प्रीमियर को रखेंगे। अब इसके बाद ट्यूबलाइट को चाइना में 700 से 800 करोड़ कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ट्यूबलाइट इंडिया में 200 से 300 करोड़ की भी कमाई करती है तो 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो पक्का है। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल की बिगड़ती तबीयत के पीछे आखिर किसका हाथ है? आखिर क्यों खराब हुई कपिल की तबीयत? गौरतलब है कि इस दिन अतिथि इन लंदन की टीम कार्तिक आर्यन, परेश रावल और कृतिका खरबंदा अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए थे, लेकिन सेट पर ऐसा कुछ हुआ कि कपिल अचानक बीमार पड़ गए। परेश रावल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने शूटिंग करने से इनकार कर दिया। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया है। दूसरी तरफ सोनी टीवी सलमान और सुनील ग्रोवर के साथ एक घंटे का महा एपिसोड लेकर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सेट पर पहुंचते ही ये दोनों बड़ी वजह कपिल की खराब तबीयत के लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।